Hello, 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 what's up guys, welcome back again to my gaming channel Indian Gamers League and I'm your host and friend Pots Kingdom. Okay guys, तो इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग वो भी 17th अपडेट के लेके बात करेंगे, क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या लीक्स हैं हमारे पास वो भी अपडेट 17th की, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको 15th ऑफ अगस्त को देखने को मिलेगा. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को जाने का क्या चट्टा दिया, शिमला से जा कुल्लू से मंगा के जॉइंट पिला दिया, हाँ पिला दिया, भोलेनाथ से मिलने की इच्छा थी ले मिला दिया. ओके गाइस, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार बता दूं कि काफ़ी लोगों के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं कि पॉट्स भाई मुझे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है. तो ये मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूँ, जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ये यूट्यूब की तरफ से इस टाइम जो उनका एल्गोरिथम है उन्होंने कुछ चेंज किया है, उसी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. तो जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा वो सिंपली चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करो और फिर बेल आइकन प्रेस करना है आपको, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना है. अगर आप वो ऑल पे नहीं करोगे तो वो ओकेशनल पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे और ओकेशनल पे आपको हर वीडियो के अपडेट नहीं मिलेंगे, तो ओकेशनल पे आपको ओकेशनली नोटिफिकेशन भेजेंगे. एंड मेक श्योर कि आपका फ़ोन सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन सेटिंग्स में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपने YouTube को परमिशन अलाउ कर रखी हो. तो ये दो काम जरूर चेक कर लें इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद, या फिर अभी कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा. तो आपको IGL या फिर कितने कोई से भी यूट्यूबर को आप फॉलो करेंगे उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. तो अब बात करते हैं अपडेट की. तो अपडेट में अगर हम बात करें तो काफ़ी अभी तक न्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कंफर्म आपको क्या आने वाला है. लेकिन जो हमारे पास अभी तक अपडेट्स हैं तो उनको बिल्कुल ही इग्नोर भी नहीं किया जा सकता कि ये नहीं आएंगे. तो अभी तक जो हमारे पास जो अपडेट्स के लीक्स हैं वो मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में. तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास एक निकल के आ रहा है कि हमारे जो करेक्टर्स हैं अभी तक अगर हमें पता है उनके पास 3 स्किल स्लॉट होते हैं, लेकिन इस अपडेट के बाद जो आपको 15th अगस्त को देखने को मिलेगा उसके बाद आपको जो स्किल स्लॉट्स हैं उसमें एक स्किल स्लॉट और ऐड हो जाएगा, यानी कि अब पर प्लेयर आपके पास 4 स्किल स्लॉट्स होंगे. तो इस पे अगर डिस्कशन करें तो आप लोग ज़रूर बताइए इसके ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को अपने बारे में बताइए. अकॉर्डिंग टू मी कि ये अब स्किल स्लॉट्स का कुछ ज़्यादा हो रहा है. तीन करेक्टर, अगर एक करेक्टर में 3 स्किल स्लॉट्स हैं तो यहाँ तक तो मैटर सही लगता है, लेकिन अगर आप अपडेट के नाम तक अगर ये सब करोगे कि स्किल स्लॉट्स बढ़ा रहे हो करेक्टर बढ़ा रहे हो तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं गैरेना के प्लेयर्स भी, और जो हम लोग यूट्यूबर्स हैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि गैरेना में अगर अपडेट के नाम पे कुछ आए तो ये सब आए. करेक्टर्स ऑलरेडी हर अपडेट में एक आ जा रहा है, उसका क्या यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है. जिसको बंदे को खेलना है वो अपना एक ही करेक्टर पकड़ के पूरा सालों साल रगड़ रहा है, तो करेक्टर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा. बाकी स्किल स्लॉट्स 3 तक तो अभी सही था कि एक बंदे के खुद की एबिलिटी है, बाकी साथ में वो 2 अदर करेक्टर की एबिलिटी ले सकता है, लेकिन अब 3-3 अलग एबिलिटी तो ये कुछ ज़्यादा हो रहा है. लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो मोस्ट वेलकम, हम लोग को उसको यूज़ करना है और बढ़िया रहेगा अगर 4 हैं, लेकिन इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी अकॉर्डिंग टू मी. अगले अपडेट की बात करें तो आपको एक नया व्हीकल देखने को मिलेगा जो ये बगी टाइप का होगा. आपने जो फ्री फायर के अलावा आप अगर पबजी के प्लेयर होंगे या फिर आपने कभी पबजी देखा होगा तो उसमें आपको ये व्हीकल ज़रूर दिखेगा और काफ़ी बार आपने देखा होगा. तो अब अगर इसके ऊपर डिस्कशन करें तो बात ये, तो आपको पता है कि फ्री फायर ओवी 17 अपडेट में आपको एक नया मैप देखने को मिलेगा जो रिलेटेड है डेजर्ट से, क्योंकि ये आपको एलीट पास 15 के ट्रेलर में बहुत ही अच्छे से गैरेना ने डिक्लेयर कर दिया है. तो नया मैप है डेजर्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपकी ये जो सफारी वाली है ये लैम्बोर्गिनी तो आपकी दौड़ेगी नहीं, वो तो धस जाएगी ज़मीन में. तो उसके लिए आपको उनको ज़रूरी बन जाता है कि अगर आप मैप चेंज कर रहे हैं, डेजर्ट चेंज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको व्हीकल या फिर मोटर बाइक जो आपकी हैं वो भी चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो बाइक्स हैं जो कार्स हैं वो डेजर्ट पे दौड़ने के लायक नहीं है. दोनों लोअर बेस हैं, वो डेजर्ट पे नहीं दौड़ पाएंगी, तो उन्हें कुछ स्पोर्टी चाहिए होगा, कुछ ऐसा चाहिए होगा जो डेजर्ट पे जो ऊपर नीचे खड्डे पहाड़ रहते हैं उनको कूद फांद सके आसानी से, और जहाँ पे जो सैंड रहती है उसको आसानी से क्लियर कर सके. तो ऑब्वियसली अगर मैप चेंज होगा तो ये नया जो आपको व्हीकल देखने को मिल रहा है इसके भी बहुत चांसेस हैं कि आपको ये देखने को मिल सकता है. थर्ड अपडेट की अगर बात करें तो आपको न्यू करेक्टर देखने को मिलेगा. तो इसमें मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, करेक्टर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, करेक्टर्स आते जाएंगे. कितने ऑलमोस्ट कितने करेक्टर्स हैं फ्री फायर में, इसके अलावा और कितने करेक्टर्स लेके आओगे, तो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी.
फिर भी अगर नया करेक्टर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं उसको भी फ्री फायर की फैमिली में। तो इसी रिफरेंस में सोशल से कुछ एक इमेज लीक होकर सामने आई है जो आपको देखने पर क्लियर उतना नहीं है कि सामने क्या है, लेकिन अगर इसे फिल्टर्स डाल के थोड़ा सा साफ किया जाए तो आपको सामने कुछ ऐसा करेक्टर दिखेगा जो आपको अभी तक फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स में देखने को नहीं मिला। तो इसकी तरह दिखने के लिए फ्री फायर में कोई ऐसा करेक्टर नहीं है जो इसकी तरह दिखता हो, तो हो सकता है आपको अपडेट के बाद एक नया करेक्टर देखने को मिले। तो एक नया करेक्टर आपको देखने को मिल सकता है, इसकी एबिलिटी अभी कुछ भी आउट नहीं हुई है। साइबर्ग नाम था यानी क्या मैं भूल गया हूँ, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, बस ये है कि आपको एक नया करेक्टर देखने को मिल सकता है। और लास्ट अगर बात करें तो एक नया इवेंट है जिसकी हल्की सी एक छोटी सी क्लिप गैरेना ने लीक करी है, जो क्लिप आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये आपको साफ यहाँ पर शो कर रहे हैं कि जो नया मैप है वो सैंड वाला डेजर्ट वाला ही होने वाला है। साथ ही साथ आपको ये कुछ इवेंट बता रही है जिसमें आपको मेडालियन दिखा रहे हैं जिसपे लॉइन बना हुआ है। तो ये मेडालियन का कोई काम रहेगा या फिर ये कोई बैज हो सकते हैं, ये एक नए इवेंट की तरफ इशारा है, या फिर ये जो क्लिप यहाँ पर लीक करी गई है गैरेना के थ्रू, या तो ये नए अपडेट का नया मैप दिखा रहे हैं, टीज कर रहे हैं एक टीज़र के तौर पर, या फिर एक नया इवेंट आने वाला है, कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है ये जिसमें आपको अच्छा खासा कुछ रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो अभी मैं मानूं तो ये एक इवेंट हो सकता है जो आपको जल्द ही अपडेट के बाद देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मेडालियन ये कुछ दिखा रहे हैं ऐसा कुछ कलेक्ट करना होगा, और बदले में आपको मिल सकते हैं बंडल्स। बंडल्स आपको ये एल्फ वाला मिल सकता है और ये वोल्फ वाला मिल सकता है, और साथ ही साथ जो आप स्क्रीन पर दो बंडल और देख रहे हैं तो इसके रिटर्न में आपको ये मिल सकते हैं। तो ये इवेंट आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि अदर सर्वर में ये इवेंट भी आने वाला है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो आपको OV17 के बाद गेम में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये जो इन्फोज़ हैं अच्छी लगी होंगी। आप भी अपना यहाँ पर सुझाव जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, नीचे आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा है आप ही के लिए। तो दनादन डर जाइए कि आपका क्या सोचना है, क्या आप देखना चाहते हैं फ्री फायर के नेक्स्ट अपडेट में, क्या जो अपडेट आपको अभी इस वीडियो में पता चले कि वो आपको कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर, ताकि वो भी इस वीडियो को देख लें, मिस ना करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना है, और फ़ोन सेटिंग्स में जाके यूट्यूब को नोटिफिकेशन सेटिंग परमिशन ऑन देना है। तो ये काम आप लोग ज़रूर कर दिए IGL के जितने भी मेम्बर्स हैं, ताकि आपको वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।